ट्यूनीसिया हर साल यूनेस्को की गैर महसूस कल्चरल हेरिटेज के फहरिस्त में जगह बनाई है। यूनेस्को ने कहा कि ये शुमाली अफ्रीकी मुल्क की शिनाख्त का हिस्सा है। अर्ब न्यूज ने रिपोर्ट किया कि अकवाम मुत्तहदा की सकाफती एजेंसी मोरक्को में अपनी गैर महसूस सकाफती वर्से की फहरिस्त के लिए तजवीज का जायजा लेने के लिए मीटिंग कर रही है, जिसका मकसद सकाफती रवायात तरीकों और अलम का तहफ़ करना है। ट्यूनीसिया हरसा एक पेस्ट है जो धूप में खुश गर्म मिर्चियों, ताज़ा तैयार शुदा मसालों और जैतून के तेल से बनाया जाता है, जो इसे महफूज रखता है। ये ट्यूनीसिया के तकरीबन हर रेस्टोरेंट में पाया जाता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनीसिया की दरख्वास्त में कहा गया है कि हरसा घरेलू इंतजामात और ट्यूनीसिया मुआशरे के रोजमर्रा के खाने और खाने की रवायत का एक लाजमी हिस्सा है। आमतौर पर खानदान या बरादरी के माहौल में तैयार किया जाता है। ट्यूनीसिया हरसे को बतौर मसाला और जज़ू और यहाँ तक कि हर एक डिश में बतौर मसाला इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरी ट्यूनीसिया में मशहूर है, जहाँ इसे खाया और बनाया जाता है, खास तौर पर इन इलाकों में जहाँ मिर्चियाँ उगाई जाती है। गैर महसूस कल्चरल हेरिटेज के तहफ्फुज के लिए 2003 के कन्वेंशन का मकसद मुतल्लिका बरादरियों, ग्रुपों और अफराद के गैर महसूस सकाफती वर्से की हिफाजत और इसके बारे में बेदारी पैदा करना है। यूनेस्को इस बात पर जोर देता है कि फिरस्त रवायात तरीकों और इल्म और सकाफत की ऐसी तमाम शक्लों का एहतराम करती है जो इंसानी खजाना है, जिनकी हिफाजत करना जरूरी है।